आंटी, इधर आए और देखें मैंने ये तस्वीर कैसी बनाई है। मैंने अपनी अम्मी के लिए तस्वीर बनाई है, उन्हें पसंद आएगी। बहुत अच्छी है, लेकिन दिल नहीं बना सकता, मुझसे सही नहीं बनता। पहले भी कोशिश की थी मैंने। तो दोबारा करो। क्या आप मेरी अम्मी और बाबा को दिल में बना सकती हैं? प्लीज नूर आंटी। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। कैसी लगती है वो, लेकिन अंदर से कितनी गुन्नी है। क्या पता, हो सकता है जब तक उसका दिल चाहा हो वो उसके पास रही हो, फिर छोड़ दिया हो, फिर जल्दी जल्दी अली से शादी कर ली और अब यहाँ मर्द की आया बनकर रह रही है। हम तो कुछ जानते भी नहीं। नूर आंटी खड़ी क्यों है, क्या हम खेलने नहीं जाएंगे? खैरियत तो है ना मर्द, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा देर बाहर मत खेलना। आजकल हमारे घर को लोगों ने गेस्ट हाउस समझ लिया है। ये गेस्ट हाउस क्या होता है? तुम्हारी ताई बाद में बता देंगी, चलो बाहर चलते हैं। बचाओ इसके कि ये हमारे सामने शर्मिंदा हो और शर्म से सर झुका ले, कैसे चौड़ी होकर घूरकर देख रही है, बेशर्म। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या बात है, तुम्हारा फोन भी काफी बीप बीप कर रहा है नायला बेगम। भाभी अब मुझ पर मत शुरू हो जाइएगा, वैसे भी यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। हा? हफीजा खाला, क्या मुझे एक ग्लास पानी पिलाएंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। कैसी स्मेल आ रही है ये? पता नहीं, आटा खमीर की है मगर उसकी स्मेल तो नहीं होती। नहीं ये बहुत तेज स्मेल है और किचन में ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसी स्मेल, क्या कुछ खराब तो नहीं हो गया यहाँ? मैं जरा इन्हें भी देख लेती हूँ। अमीन क्या तुम्हें भी स्मेल आ रही है? नायला बीबी के तेज परफ्यूम के अलावा मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तौबा तौबा, ये परफ्यूम की स्मेल थी? यहाँ तो कोई स्मेल नहीं है, किसी जिन वगैरह की कारिस्तानी होगी। बिल्कुल कारिस्तानी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।